गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कक्षा पाँच में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पहेलियाँ सीखने जा रहे हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी पहेलियाँ सुनी होगी, सुनी है ना, लेकिन आज हम पाठ्यपुस्तक में दी गई पहेलियाँ का अभ्यास करेंगे। तो आप सब तैयार हैं ना? ओके, तो चलो सब अपनी पाठ्यपुस्तक निकालेंगे और समझेंगे। पहेलियाँ जिन्हें तमें गुजराती में उखाणा कहो छो, बराबर ने? पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो मित्रों, चलो हम पाठ्यपुस्तक में दी गई पहेलियाँ को समझते हैं। आप सब तैयार हैं ना? ओके। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रश, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। सोचो मेरा नाम। मित्रों, ऐसा कौन सा घर है जिसका आकार गोल है और उसके हर कमरे में रस भरा हुआ है? सोचो, और जैसे ही आप उसको मुंह में रखोगे तो आप एकदम खुश हो जाओगे। तो सोचो ऐसा क्या है। इसका नाम है जलेबी, जो सबको भाती है। नंबर दो, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में मैं शीश उठाता, टिकता हूं पर चल नहीं पाता, पैरों से हूं भोजन खाता। सोचो, धरती में मैं पैर छिपाता, मैं अपने पैर कहाँ छुपाता हूँ? धरती में। आसमान में शीश उठाता, शीश एटले मस्तक, शीश आकाश में ऊंचा रखता हूँ, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, मैं एक जगह पर टिका हुआ हूँ पर मैं चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता, मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ। मित्रों, सोचो ऐसा कौन है जो अपना मस्तक आकाश में ऊंचा रखता है और अपने पैर धरती में छिपा कर रखता है। वह एक ही जगह पर टिका हुआ है, वो चल सकता नहीं है और वो पैरों से भोजन खाता है। आप तो हाथ से खाते हो ना, लेकिन ये पैरों से भोजन खाता है। तो सोचो ऐसा कौन है जो पैरों से भोजन खाता है। सोचो सोचो। इसका नाम है पेड़। नंबर तीन, तीन अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। मित्रों, उसका नाम तीन अक्षर का है और उसका स्थान कहाँ पर है? सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर है। और उनका अंतिम अक्षर को आप निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? पग बन जाएगा। और मध्य का यानी कि बीच का अक्षर कटने से वो पड़ी शब्द बन जाएगा। तो सोचो ऐसा क्या है। चलो मैं ही आपको बताती हूँ, इसका नाम है पगड़ी। नंबर चार, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। सोचो क्या है यह। पहाड़ छे पण पत्थर नथी, नदी छे पण पाणी नथी। एवं केवो कि नदी छे पण अंदर पाणी नथी अने शहर छे पण कोई अंदर रहेतु नथी एटले के जीव नथी अने जंगल छे पण झाड नथी। जंगलों में तो पुष्कर झाड़ हो, तो यू शू विचारो।
सोचो, पहाड़ तो पत्थर के ही बने होते हैं और ननी बेबी जल होता है। जहाँ शहर होता है वहाँ लोग तो रहते होते हैं, और पेड़ के बिना तो जंगल ही नहीं होते। तो ऐसा क्या है? इसका नाम है नक्शा। नंबर 5, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। सोचो, आप लोगों ने घोड़ा देखा है? यहाँ पर घोड़ा कैसा है? कागज का है, और घोड़े को चलाने के लिए लगाम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लगाम कैसी है? धागे की है। धागा यानी कि गुजराती माँ दोरो। अगर उस धागे को छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो आपको सलाम करेगा। सोचो, ऐसा क्या है कि धागे को हम छोड़ देंगे तो हमें सलाम करेगा? सोचो सोचो। इसका नाम है कती पतंग। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको दो पहेलियाँ अपने आप सुलझानी है। मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम, पेन नहीं कागज़ नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? बताओ बताओ क्या नाम है? दूसरी पहेलिया, काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। चलो सोचो, ऐसा क्या है जिसकी माँ काली है और बच्चा लाल है? वो जहाँ जाती है वहाँ बच्चे भी जाते हैं। तो सोचो क्या है वो? सोचो सोचो। ओके, आप सोचो। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पहेलियाँ समझने में मज़ा आया होगा। आया है ना? अच्छा, तो आपको ऐसी ही नई नई पहेलियाँ ढूंढनी है और अपने मित्र को भी सुनानी है। सुनाओगे ना? ओके, तो चलो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।